नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विदुषी जेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है आपका SC ST रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण को लेकर के। और हाल में हमने एक वीडियो भी पूरा का पूरा रिजर्वेशन के ऊपर बनाया था, लेकिन वो वीडियो जो था वो इस जजमेंट से पहले बन चुका था और वो वीडियो भी आपको इसी वाले वीडियो के साथ मिलेगा। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि पहले आप आरक्षण को समझने के लिए पूरी की पूरी जो पृष्ठभूमि है वो मैंने उस वीडियो में उसके बारे में चर्चा की है। लगभग 3 साढ़े 3 घंटे का वो वीडियो होगा, तो उसको अगर आप देखेंगे तो आरक्षण की पूरी पृष्ठभूमि आपके समझ में आएगी और क्या भारत में आरक्षण के प्रावधान रहे हैं वो आपके समझ में आएंगे। अगर आप उसको समझ लोगे तब ये वाला जजमेंट समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि उसमें सारी चीजों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की हुई है। जितने भी आर्टिकल्स यहाँ पर चर्चाओं में आए हैं उन सारे आर्टिकल्स की चर्चा मैं वहां पर कर चुका हूँ। तो थोड़ा सा इस जजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि SC ST वर्ग के उपवर्गीकरण से संबंधित है। हालांकि जजमेंट तो आज ही आया है बच्चा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बारे में चर्चाएं कोई आज से शुरू हुई हो। इसके बारे में चर्चा लगभग तब से ही शुरू हो गई थी जब हमारा OBC रिजर्वेशन आया था, क्लियर है। और OBC रिजर्वेशन में इंदिरा साहनी के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने वहां पर क्रीमी लेयर की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। उस क्रीमी लेयर की अवधारणा के प्रतिपादन के बाद लगातार एक ये डिमांड थी कि जो हमारा SC ST रिजर्वेशन है वहां पर भी इस क्रीमी लेयर जैसी किसी अवधारणा को स्थापित किया जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली क्रीमी लेयर को ही वहां पर स्थापित किया जाए, लेकिन क्रीमी लेयर जैसी किसी अवधारणा को वहां पर स्थापित किया जाना चाहिए, इस बात की डिमांड लगातार चल रही थी। M नागराज के केस को अगर आप पढ़ोगे, पूरी की पूरी केस स्टडी करते हो, तो वहां पर भी आपको यह देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं इस ओर इशारा किया गया था। हालांकि वो वाला जो मुद्दा था वो बेसिकली आपका पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के था, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर भी इस मुद्दे के ऊपर विचार किया गया था। सेम अगर आप देखोगे 2018 का जर्नैल सिंह का जो मामला था, जर्नैल सिंह मामले की जजमेंट को भी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं उस जजमेंट में भी इस ओर इशारा करने का प्रयास किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई निर्णय आ गया है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके ऊपर लगातार चर्चा चल रही थी। फाइनली आपका फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को आरक्षित कर लिया था और कल आप लोग जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को सुनाया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आपका SC ST जो आपकी वर्ग होता है, जो SC ST रिजर्वेशन है, SC ST जो वर्ग है, इसमें भी क्लासिफिकेशन या सब क्लासिफिकेशन हम जिसको कहते हैं उपवर्गीकरण की अनुमति यहां पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई है। तो ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं कि क्या है। बाकी पूरा का पूरा आपको उस लेक्चर से समझ में आ जाएगा जो मैंने इससे पहले लगभग 3 घंटे का लेक्चर यहां पर तैयार किया है। चलिए, तो आप लोग जानते हैं बेटा कि ये जो कल निर्णय आया है, ये निर्णय आपका 6-1 के बहुमत से निर्णय दिया गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये जो आपका निर्णय आया है ये आपका 6-1 की मेजोरिटी से निर्णय आया है। इन 7 जजेस को आप देख सकते हैं यहाँ पर जिन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को दिया है, और 6 जजेस का निर्णय एक तरफ और एक एक जज जिन्होंने अपना डिसेंट में मत दिया, उनका नाम ध्यान रखेगा, वो है आपकी जस्टिस बेला त्रिवेदी, जो इसमें एक महिला न्यायाधीश भी थी, उनके द्वारा डिसेंट में जजमेंट दिया गया था। बाकी 6 के 6 जो यहाँ पर न्यायाधीश है, जिसमें से कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी भी शामिल है, इन सब ने आपका पक्ष में या फिर एक तरफा मत यहाँ पर अपना दिया है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है ये पूरा का पूरा मामला, इसकी पृष्ठभूमि को भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी हुआ क्या है। तो हुआ यह है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसने 6-1 के बहुमत से यह निर्णय दिया है, जिसमें कि SC ST वर्ग में सब क्लासिफिकेशन की बात यहां कही गई है, उपवर्गीकरण की बात यहां पर कही गई है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने आप लोग जानते हैं कि SC और ST श्रेणियों के भीतर राज्यों को उपवर्गीकरण बनाने की अनुमति दी है, ताकि इन श्रेणियों के भीतर सबसे पिछड़े समुदायों को व्यापक सुरक्षा प्रदान की जा सके। और ये सही बात भी है ना बेटा, अभी तक दिक्कत क्या थी कि SC और ST रिजर्वेशन मिल रहा था। जरा एक तुलना करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, दो लोगों के बीच में तुलना कीजिए, दोनों आपके SC कैटेगरी के हैं, दो लोग हैं आपका जो SC कैटेगरी से आते हैं, मान लीजिए कि एक है ए और एक है आपका बी। जरा मान करके देखिए कि जो ए है इनके जो पिता हैं मान लीजिए वो IAS हैं, और इनकी जो माता है मान लीजिए वो भी IAS हैं या फिर वो IRS हैं, और ये जो ए है चाहे पुरुष है चाहे महिला है, मान लीजिएगा कि इन्होंने आपका किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है, बचपन से शहरों में रहे हैं, मान लीजिए कि ये बचपन से कहां पर रहे हैं आपका दिल्ली में रहे हैं, और वहीं पर इनकी आपकी शिक्षा दीक्षा जो भी है वो दिल्ली में हुई है। दूसरा एक एग्जाम्पल आप मान करके देख लीजिएगा कि कोई बी है, बी के जो पिता है वो आपके कृषक हैं,
बी के जो पिता हैं वो आपका कृषक हैं, और इसी तरीके से बी की माता भी मान लीजिए कि बी की, हाँ बी की माता कोई आपकी हाउस वाइफ मान लीजिए, इनका इनको हाउस वाइफ है, या फिर बी की माता कोई किसान है, और मान लेते हैं कि जो बी है इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि में हुई है, कहीं गाँव में रह करके इंटर कॉलेज या फिर सरकारी स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की है। अब जब ये ए और बी दोनों के दोनों किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आगे बैठेंगे, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आगे आएंगे, या किसी कॉलेज में इनको एडमिशन लेना होगा, तो खुद ही जरा सोचिए कि ए की जो आपकी स्थिति है, चाहे आप उसकी सामाजिक स्थिति देखिए या आर्थिक स्थिति देखिए, वो आपको बी से कहीं बेहतर देखने को मिलेगी। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके माता पिता दोनों आपके सिविल सेवाओं में है और उसकी शिक्षा दीक्षा बचपन से दिल्ली में हुई है, और एक बी नाम का व्यक्ति है जिसके पिता और माता दोनों के दोनों कृषक हैं और इसकी शिक्षा दीक्षा आपके ग्रामीण पृष्ठभूमि में हुई है, और अगर दोनों को ही एससी आरक्षण का लाभ मिलेगा तो यह स्वाभाविक सी बात है बच्चा कि आप इनके बीच में कंपटीशन मत कराइए। आप पहले ही घोषित कर दीजिए कि यहां पर जो जीत होगी वो किसकी होगी, ए की होगी, क्योंकि तो स्वाभाविक सी बात लग रही है ना। आप टैलेंट कोई आपका जो आपका जन्मजात टैलेंट होता है या जिसको हम कहते हैं कि बाय बर्थ टैलेंट होता है, वो बहुत लिमिटेड होता है, वो केवल और केवल 0.% लोगों में होता है, 0.% कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर वो जन्मजात टैलेंट होता है कि वो इस पृष्ठभूमि से आकर के भी ए को पछाड़ देगा। लेकिन अगर हम इन जनरल की बात करें, हम अपवाद को एग्जाम्पल नहीं बना सकते, जो जनरल बात होगी, जो आम भावना है या फिर जो आम बात है उसी को हम एग्जाम्पल के रूप में मान सकते हैं। तो आम तौर पर हम ये देखेंगे कि जब ए की जो आपकी आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति होगी अगर वो ज्यादा मजबूत है और बी की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति कमजोर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका लाभ हमेशा किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। जबकि वास्तव में इस आरक्षण की जरूरत किसको है, वास्तव में इस आरक्षण की जरूरत बी को है। ए को तो अगर आप आरक्षण ये नहीं भी देंगे उसका काम तब भी चल जाएगा, क्लियर है, क्योंकि उसकी आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि उसको इस आरक्षण की संभवता आवश्यकता नहीं है। लेकिन बी को अगर आप देखोगे, बी को वास्तव में इस आरक्षण की जरूरत है, लेकिन क्योंकि दोनों के दोनों ऐसी कैटेगरी है तो दोनों के लिए अगर नियम समान होंगे तो स्वाभाविक बात है कि इनके लिए आरक्षण भी समान होगा और आरक्षण भी समान होगा, तो वैसे में ए और बी के बीच में अगर फाइट होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें ए आपका विजयी हो जाएगा। उसके लिए कॉम्पिटिशन कराने की नहीं, आप पहले कह सकते हैं कि भाई साहब इसमें तो ए आसानी से जीत जाएगा। तो ये तो कहीं ना कहीं समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है ना भाई, क्योंकि आर्टिकल 14 का जब आप अच्छे से पढ़ते हो तो आर्टिकल 14 में एक चीज हमारे समझ में आती है, वहां पर कहा गया है विधियों का समान संरक्षण। और विधियों के समान संरक्षण का क्या मतलब हो गया कि परिस्थितियां समान होने पर ही कानून समान होना चाहिए, अगर परिस्थितियां अलग है तो कानून भी अलग होना चाहिए। तो जब आप इन दोनों की परिस्थितियां देख रहे हो तो वो अलग अलग है, और परिस्थितियां अगर अलग अलग है तो केवल जाति समान होने के वजह से इनके लिए कानून समान नहीं होना चाहिए, इनके लिए कानून भी अलग अलग होना चाहिए। मतलब बी को यहां पर लाभ मिलना चाहिए, ए को उस आरक्षण का लाभ संभवतः नहीं मिलना चाहिए। ऐसी मांग लगातार हो रही थी और संभवतः ये जो जजमेंट आपका आया है उसने इसी बात के ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि एससी एसटी जो आपका वर्ग है इसमें राज्यों को उपवर्गीकरण बनाने की अनुमति यहां पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई है, ताकि जो हमारे पिछड़े समुदाय हैं इनको व्यापक सुरक्षा प्रदान की जा सके, जिनको वास्तव में आरक्षण की जरूरत है उनको वास्तव में आरक्षण का लाभ मिल सके। ये बेसिकली यहां पर मूल भावना है इस जजमेंट की, ठीक है। इससे पहले बेसिकली ये जो जजमेंट है इसने अपने पहले के एक जजमेंट को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है, और वो जजमेंट था आपका 2004 का, जिसको कहा जाता है ईवी चिनैया वर्सेस आपका आंध्र प्रदेश राज्य। ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का एक मामला था 2004 का, जिसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि नहीं भाई, जो एससी है हम एससी को ऑलरेडी एक वर्ग के रूप में वर्गीकृत कर चुके हैं, हम वर्गीकरण कर चुके हैं एससी के रूप में, तो एससी के रूप में जब वर्गीकरण हो चुका है तो एससी के भीतर हम वर्ग विभेद नहीं कर सकते। जब हमने कुछ जातियों को एससी जातियां कह दिया, अब उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि इस जाति को तो एससी का रिजर्वेशन मिलेगा और इस जाति को एससी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो इनका कहने का मतलब यह था कि आपको आर्टिकल 14 वर्गीकरण की अनुमति तो दे रहा है, वो वर्ग विभेद की अनुमति नहीं दे रहा है। जब आपने एससी का एक वर्गीकरण कर लिया है तो उसमें जितनी भी जातियां होंगी उनको समान रूप से आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनमें से एससी में ये अति पिछड़ी हैं तो इनको आरक्षण का लाभ मिले और बाकी जो है उनको आरक्षण का लाभ ना मिले, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली जजमेंट था किसका, ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में, और इसी निर्णय को यहां पर पलटा गया है वर्तमान निर्णय के द्वारा। थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को हम लोग समझते हैं बेटा कि पृष्ठभूमि क्या है इसकी, जो अभी हमारे सामने मुद्दा आया है। तो इसकी पृष्ठभूमि आपकी शुरू होती है 1975 में, तब जब जो आपका पंजाब राज्य था, पंजाब राज्य एक
पंजाब राज्य के द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है और इस अधिसूचना के द्वारा पंजाब राज्य अपनी जो एससी कम्युनिटी थी उसमें जो सबसे पिछड़ी थी, उसमें जो सबसे पिछड़ी थी जिसमें से एक था वाल्मीकि समुदाय और एक था आपका मजहबी सिख समुदाय, इन दोनों को क्या की जाती है, एससी रिजर्वेशन में वरीयता दी जाती है। क्लियर है? ऐसी जो आपकी ऐसी जातियां थी उन ऐसी जातियों में से भी दो जातियों को उठा करके जिसमें से एक वाल्मीकि थी और दूसरी मजहबी सिख समुदाय था, इन दोनों को क्या दी जाती है, ऐसी रिजर्वेशन में वरीयता दी जाती है। ये वरीयता चल रही थी पंजाब में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ठीक आप देखोगे इसी तरीके की वरीयता 2004 के आसपास आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा भी अपने कुछ अनुसूचित जाति समुदायों को दी जाती है कि ये ज्यादा पिछड़े अनुसूचित जातियों में, तो इनको यहां पर आरक्षण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और जब आंध्र प्रदेश राज्य ऐसा करता है तो इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है। क्लियर है? और जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है, जिसको हम ईवी चिनैया मामला कहते हैं, तो ईवी चिनैया मामले में सर्वोच्च न्यायालय इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने, तो इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का बेसिकली कहना यह था, उनका कहना था कि भाई जो अनुच्छेद 341 है, जो कि मैंने पिछले आरक्षण का जो हमारा वीडियो है उसमें हमने अनुच्छेद 341 के बारे में चर्चा की है, तो सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि जो अनुच्छेद 341 है यह केवल राष्ट्रपति को ऐसी अधिसूचना जारी करने का अधिकार देता है और केवल संसद को उसमें कुछ जोड़ने या हटाने का अधिकार देता है। अगर आप आर्टिकल 341 पढ़ोगे, आर्टिकल 341 का क्लॉज 1 और आर्टिकल 341 का क्लॉज 2, क्लियर है? तो आर्टिकल 341 का मतलब यह हो गया, क्लॉज 1 का मतलब कि अनुसूचित जाति किसे माना जाएगा, तो अनुसूचित जाति उसे माना जाएगा जिनको राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 341(1) के अंतर्गत शामिल किया हो। क्लियर है? और अनुच्छेद 341 का क्लॉज 2 कहता है कि जो संसद है, संसद इसमें से किसी को हटा या किसी को इसमें जोड़ सकती है, तो यह अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। तो जो आपका ईवी चिनैया मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि भाई आर्टिकल 341 में किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में जोड़ने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और इसमें से किसी को हटाना या किसी को जोड़ने का अधिकार उसके बाद किसके पास है, संसद के पास है। तो ऐसे में यह अधिकार किसके पास नहीं है, राज्यों के पास नहीं है, तो राज्य अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी वर्ग को वो एससी में जोड़े या फिर उसके लिए कोई अधिसूचना वो जारी करें, ऐसा केवल और केवल कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। दूसरा आपका ईवी चिनैया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि भाई जो आपका अनुच्छेद 14 है, क्लियर है, अनुच्छेद 14 है, अगर आप एससी, जो आपने एससी के रूप में क्लासिफिकेशन किया है वहां पर किसी पर्टिकुलर जाति को अगर आप लाभ दे रहे हो, तो ये सीधा सीधा अनुच्छेद 14 में जो आपका समानता का अधिकार है, समानता के अधिकार को वायलेट करता है, समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। क्यों उल्लंघन करता है? तो न्यायालय का कहना था कि जो अनुच्छेद 14 है ये वर्गीकरण की अनुमति देता है आपको, ये वर्ग विभेद की अनुमति नहीं देता है। जब आपने एससी के रूप में एक वर्गीकरण कर दिया, क्लियर है, जब आपने एक बार एससी के रूप में वर्गीकरण कर दिया, अब एससी के अंदर मान लीजिए ए जाति भी है, बी जाति भी है, सी जाति भी है और डी जाति भी है, तो आपने एक वर्ग बनाया है एससी के रूप में, तो सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए को तो रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा और बी को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, या डी को तो रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा और सी को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका पूरा का पूरा एक वर्गीकरण के तहत इनको एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ए बी सी डी क्योंकि इस एससी कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं, तो इन चारों को आरक्षण का समान लाभ मिलना चाहिए, अन्यथा यह आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा, यह समानता के अधिकार का वायलेशन होगा। तो यही यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 14 भाई आपको वर्गीकरण की अनुमति देता है, आपको वर्ग विभेद की अनुमति नहीं देता है। जब आपने इन जातियों को ऐसी वर्ग के अंतर्गत शामिल कर लिया, तो अब आप इनके साथ अलग से वर्ग विभेद नहीं कर सकते, इनके बीच में अब आप भेदभाव नहीं कर सकते, वो आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। यह यहां पर बेसिकली आपका कहा गया था। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखोगे, जब वहां पर आपका आंध्र प्रदेश के मामले को आपका असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो उसके बाद जो पंजाब राज्य का मामला था उसको भी न्यायालय में चुनौती दी गई और 2006 में आप देखोगे कि जो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय है वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य वाले मामले के आधार पर जो पंजाब राज्य की 1975 की अधिसूचना थी इसको भी रद्द कर देता है, इसको भी असंवैधानिक घोषित कर देता है। जब असंवैधानिक घोषित कर देता है तो पंजाब में जो आपका वाल्मीकि समुदाय था या फिर जो आपके दूसरे समुदाय थे जिनको इनका लाभ मिल रहा था, उनके द्वारा आंदोलन किया जाता है। जब आंदोलन किया जाता है तो आनन फानन में आप देखोगे जो पंजाब की सरकार है वो 2006 में दोबारा से एक कानून पारित करती है और वो कानून था आपका अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सेवाओं में आरक्षण अधिनियम 2006। वो ये कानून पारित करती है और जो उसकी 1975 की अधिसूचना थी उस अधिसूचना को यहां पर पंजाब राज्य के द्वारा दोबारा से लागू कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये कि जो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय था, इस पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय को
यहां पर पंजाब सरकार के द्वारा कानून बना करके पलट दिया जाता है, पलट दिया जाता है। तो दोबारा यह चैलेंज होता है आपका 2010 में, इसको दोबारा से एक दविंदर सिंह नाम के व्यक्ति थे जो कि इन समुदाय से नहीं आते थे लेकिन एससी वर्ग के थे, ये इसको क्या करते हैं दोबारा से कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। दोबारा जब ये इस मामले को कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो जो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय था वो इस कानून को भी असंवैधानिक घोषित कर देता है। जो ये कानून यहां पर पंजाब राज्य के द्वारा बनाया गया था, इस कानून को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है आपका हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय के द्वारा। तो जब हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय इस कानून को असंवैधानिक घोषित करता है तो इसके बाद आप देखोगे कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। पंजाब सरकार इस मामले को लेकर के कहां पहुंच जाती है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है अपने इस कानून को बचाने के लिए, और उसके बाद इस मामले पे सुनवाई शुरू होती है कहां पर आपका सुप्रीम कोर्ट में। इसी क्रम में आप देखते हो कि 2020 में जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर 5 जजेस की पीठ इस मामले को सुन रही थी, और क्योंकि इससे पहले का जो आंध्र प्रदेश राज्य का निर्णय था वो भी 5 जजेस की पीठ ने दी थी, तो सर्वोच्च न्यायालय इस निर्णय को पलट नहीं सकता था। इस निर्णय को पलटने के लिए जरूरी था कि एक बड़ी बेंच का गठन किया जाए, 5 जजेस से ज्यादा बेंच का गठन किया जाए। तो जब 2020 में यह मामला आप देखोगे कि आपका सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कहा कि जो 2004 का पूर्व का निर्णय है इसमें पुनर्विचार की जरूरत है, पर क्योंकि इसमें पुनर्विचार की जरूरत है तो इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपनी एक बड़ी बेंच को स्थानांतरित कर दिया गया, अपनी एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया। हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में एक आर्टिकल आता है बच्चे, एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 बेसिकली यही कहता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को पलट सकता है, लेकिन पूर्व में जो आपका निर्णय दिया गया था वो जितने की बेंच ने दिया था उससे बड़ी बेंच का गठन आपको करना पड़ेगा। मान लीजिएगा कि पहले का निर्णय अगर 5 जजेस की बेंच ने दिया था तो सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय को पलट तो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को 5 जजेस से ज्यादा की बेंच बनानी पड़ेगी, 6 जजेस या फिर इससे ऊपर की बेंच सुप्रीम कोर्ट को बनानी पड़ेगी, तब वो अपने इस मामले को पलट सकता है। तो सेम जब यह मामला 2020 में सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था तो सर्वोच्च न्यायालय का मानना यह था बेसिकली कि जो 2004 का हमारा निर्णय है उस पर पुनर्विचार की जरूरत है, और क्योंकि उस पर पुनर्विचार की जरूरत है तो इसलिए इस मामले को एक बड़ी बेंच को यहां पर भेज दिया जाता है। और जब इस मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया जाता है तो 7 जजेस बेंच को यह मामला भेज दिया जाता है, और उसी 7 जजेस बेंच के द्वारा 2024 में यह निर्णय सुनाया जाता है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और 7 जजेस बेंच द्वारा इस निर्णय को 6-1 के बहुमत से सुनाया जाता है। तो ये जो निर्णय आपका कल आया है, इस निर्णय की कुछ प्रमुख बातों को हम यहां पर समझ लेते हैं कि इस निर्णय में मेनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा क्या गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किन किन बातों को रेखांकित किया है, उनको हम थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई उसको समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी जाति को अनुच्छेद 341 में शामिल करने की जहां तक बात है, तो इससे आप देखोगे कि किसी भी प्रकार से वो एक समान और आंतरिक रूप से समरूप वर्ग का गठन नहीं होता है। क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली कहने का मतलब यह है कि भाई मान लीजिए कि आर्टिकल 341 में राष्ट्रपति ने किसी को शामिल किया, राष्ट्रपति ने यहां पर शामिल किया किसको, ए बी सी डी ई एफ बहुत सारी जातियों को यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा शामिल किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब है कि आर्टिकल 341 में राष्ट्रपति ने जो अलग अलग जातियों को शामिल किया है इसका मतलब यह नहीं हो गया कि ये सारी की सारी जातियां होमोजीनियस हो गई। क्लियर है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये सारी की सारी जातियां होमोजीनियस हो गई, मतलब इनकी जो आपकी स्थिति हो गई वो स्थिति बराबर हो गई और इसमें हम वर्गीकरण ना कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 341 में राष्ट्रपति अगर कुछ जातियों को मान लीजिएगा शामिल भी कर लेता है जिनको हम अनुसूचित जातियां कहेंगे, तो ये ऐसा नहीं है कि ये सारी जातियां होमोजीनियस हो गई और इनकी स्थिति बराबर हो गई और इनमें वर्गीकरण आगे ना किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनमें आगे फर्दर वर्गीकरण किया जा सकता है क्योंकि ये सारी की सारी जातियां होमोजीनियस नहीं है, ये सारी की सारी जातियां एक रूप नहीं है, ये सारी की सारी जातियां बराबर के स्तर पर नहीं है, और क्योंकि ये बराबर के स्तर पर नहीं है तो समान के साथ समान व्यवहार की बात करता है आर्टिकल 14। तो क्योंकि जब इनकी स्थिति समान नहीं है तो इनके साथ व्यवहार भी समान नहीं हो सकता, इसलिए इन जातियों का फर्दर वर्गीकरण किया जा सकता है, इनको आगे वर्गीकृत किया जा सकता है, यह यहां पर डीवाई चंद्रचूर महोदय के द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट की कि भाई जो आपका आर्टिकल 341 है इसमें जिस सूची का वर्णन किया गया है जिसको
हम अनुसूचित जाति कहते हैं, ये बेसिकली एक कानूनी कल्पना है। वो कहते हैं कि जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने से पहले तो कोई अनुसूचित जाति जैसी चीज नहीं होती थी, बहुत सारी जातियां होती थी जो समाज के निम्न पायदान पर थी, उन सबको कलेक्ट करके तो हमने अनुसूचित जाति कहा। लेकिन संविधान लागू होने से पहले तो अनुसूचित जाति जैसी कोई चीज नहीं होती थी, तो उन्होंने कहा कि जो अनुसूचित जाति है यह बेसिकली एक कानूनी कल्पना है जो वास्तव में मौजूद नहीं है, यह वास्तव में नहीं है, इसको हमने एक बनाया है कानूनी रूप से, हमने एक आर्टिकल 341 बनाया और हमने कहा कि इसमें हम जिसको जिस जाति का नाम लिख देंगे उसको क्या माना जाएगा, आपका अनुसूचित जाति माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि यह कानूनी कल्पना है भाई और यह आपका वास्तव में मौजूद नहीं है। क्लियर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिकली डीवाई चंचू साहब ने कि अनुसूचित जाति कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो संविधान लागू होने से पहले अस्तित्व में थी, इसको बेसिकली इसलिए मान्यता दी गई थी ताकि इसमें शामिल समुदाय को लाभ प्रदान किया जा सके, कि जिन जिनको हमको लग रहा है कि ये कमजोर वर्ग है, ये पिछड़े वर्ग है, या अनुसूचित जातियां हैं, उनको लाभ दिया जा सके, इसलिए हमने उनका एक अलग वर्ग बनाया, इसलिए हमने आर्टिकल 341 बनाया। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ा ना कि जो अनुसूचित जातियां वो पहले से अस्तित्व में थी, अनुसूचित जातियां तो हमने उनको माना ना जिनको आर्टिकल 341 में शामिल किया गया है, तो आप जिस भी जाति को आर्टिकल 341 में शामिल करोगे वो अनुसूचित जाति बन जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसमें जितनी भी जातियों को आपने शामिल किया हो सबकी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बराबर हो। ये बेसिकली यहां पर कहा गया डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इसके अलावा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि भाई जहां तक आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 की बात है, क्लियर है, अगर आप आर्टिकल 15 को पढ़ोगे, आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 को और क्लॉज 5 को आप पढ़ते हो, और साथ ही आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 को अगर आप पढ़ते हो, इनको अगर आप पढ़ते हो बेटा, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4, तो आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 4 है वो बेसिकली आपका नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए, या जो आपके एससी एसटी समुदाय हैं उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में आपका बेसिकली प्रवेश में आरक्षण की बात करता है, कि उनके लिए प्रवेश में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, एडमिशन में उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। वहीं आर्टिकल 16(4) रोजगार में उनके लिए आरक्षण की बात करता है कि नागरिकों का जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए रोजगार में आरक्षण दिया जा सकता है। अब जो आंध्र प्रदेश राज्य का मामला था उसमें आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) को पढ़ते हुए जो बेसिकली आपका सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इसमें जो आपका परिवर्तन का अधिकार होगा या वर्गीकरण का अधिकार है वो केवल और केवल संसद के पास है, वो राज्यों के पास नहीं है। ये बेसिकली वहां पर कहा गया था कि वो अधिकार केवल और केवल किसके पास है, संसद के पास है, वो अधिकार किसके पास नहीं है, राज्यों के पास नहीं है। तो यहां पर जो आपका अभी का निर्णय हमारा है इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को भी पलटा। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 15 और 16 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सामाजिक पिछड़ेपन की विभिन्न डिग्री पहचान करने पर विशेष प्रावधान करने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब कि केवल संसद नहीं कर सकती है, कोई राज्य अपने राज्य में जो उसके आपका पिछड़ा समुदाय है या फिर जो उसकी अनुसूचित जातियां हैं वो उनकी डिग्री की पहचान कर सकता है कि अनुसूचित जातियों में भी कौन सी अनुसूचित जाति ज्यादा पिछड़ी हुई है, कौन सी अनुसूचित जाति कम पिछड़ी हुई है। ये सेम वैसे कॉन्सेप्ट हो गया ना जैसे हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, क्लियर है, इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि पॉवर्टी में भी हमको यह देखना चाहिए कि गरीबों में अति गरीब कौन है और कम गरीब कौन है, क्योंकि तभी तो हम उनके लिए अलग अलग योजनाएं बनानी पड़ेंगी। एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि यह आपकी लाइन है, किसकी, यह आपकी एपीएल लाइन की है, एपीएल लाइन है, तो इसके नीचे जो लोग होंगे वो बीपीएल होंगे, वो गरीब होंगे। तो मान लीजिए इसके नीचे आप इस तरीके से कुछ लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, इसके नीचे अलग अलग लाइन है, माने तो ये सारे के सारे बीपीएल जाएंगे, लेकिन एक बीपीएल वो है जो यहाँ पर है और एक बीपीएल वो है जो यहाँ पर है। तो जो बीपीएल आपका सबसे नीचे है इसको कुछ अलग योजनाओं की जरूरत होगी, इसके लिए कुछ अलग प्रयास की जरूरत होगी, और जो बीपीएल यहाँ पर है इसके लिए कुछ अलग प्रयास की जरूरत होगी। तो वही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राज्य इस बात के लिए स्वतंत्र है कि अपने राज्य में जो उनकी आपकी पिछड़ा वर्ग है या जो अनुसूचित जातियां हैं वो उनकी डिग्री का पता कर सकते हैं कि कौन कम पिछड़ा है या फिर कौन आपका कम पिछड़ा है और कौन आपका ज्यादा पिछड़ा है। तो डिग्री का पता राज्य कर सकता है, और डिग्री का पता करने के बाद वो किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, मतलब वो यहां पर क्या कर सकता है, फिर उपवर्गीकरण भी कर सकता है। क्लियर, वो यहां पर क्या कर सकता है, फिर उपवर्गीकरण भी कर सकता है और आरक्षण जैसे प्रावधान करने के लिए वो यहां पर क्या है, स्वतंत्र है। ये बात यहां पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कही गई। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यहां पर कहा बेटा कि अलग अलग पायदान पर स्थित एससी समुदाय को अगर आप समान अवसर प्रदान करते हो तो ये समान अवसर प्रदान करना नहीं है, इसको असमानता को बढ़ावा देना कहा जाएगा, जो सीधे सीधे आर्टिकल 14 का वायलेशन है। क्लियर है, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का मानना था, जैसे कि मैंने अभी आपको लाइन बना के बताया
कि एक बीपीएल सबसे नीचे, एक बीपीएल उससे ऊपर, एक बीपीएल उससे ऊपर, तो आप उन सबको एक जैसा नहीं मान सकते। और अगर आप उन सबको एक जैसा मानोगे तो जो सबसे निचले पायदान पर आपका खड़ा बीपीएल होगा उसके साथ तो आप अन्याय कर रहे हो, उसको तो आप और ज्यादा बीपीएल बनने पर मजबूर कर रहे हो। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि भाई जो आपकी ऐसी जातियां हैं, जब उनके अलग अलग जातियां अलग अलग पायदान पर खड़ी हैं, तो ऐसे में अगर आप उनके साथ समान व्यवहार करने की बात कर रहे हो या उनको समान अवसर प्रदान करने की बात कर रहे हो, तो ये सीधे सीधे असमानता को बढ़ावा देना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल स्टार्टिंग में एग्जाम्पल से बताया था ना, ए और बी दोनों के दोनों किससे आ रहे थे, ऐसी वर्ग से आ रहे थे, एक ए थे जिनके माता पिता दोनों आपके आईएएस ऑफिसर थे, दिल्ली में बचपन से पढ़े थे, एक बी थे जिनके माता पिता दोनों किसान और बचपन से ये गांव में पढ़े थे। अब इन दोनों को आप अवसर की समानता की बात अगर करोगे तो सीधी सी बात है वहां पर बी के साथ तो भेदभाव होगा, इससे तो असमानता में वृद्धि होगी। जो वर्ग संपन्न हो चुका है वही केवल आरक्षण का लाभ उठा पाएगा, जिसको वास्तव में आरक्षण के लाभ की आवश्यकता है उसको आरक्षण का लाभ यहां पर नहीं मिल पाएगा। तो वही बात यहां पर कही गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी। सर्वोच्च न्यायालय ने साथ ही कहा कि राज्यों के द्वारा किए जाने वाले वर्गीकरण की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का स्थान तो है और न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा भी है जो सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य को हम उपवर्गीकरण का अधिकार तो दे रहे हैं, लेकिन राज्य के द्वारा जो उपवर्गीकरण किया जाएगा उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा मतलब ये चेक किया जा सकता है कि राज्य के द्वारा जो उपवर्गीकरण किया गया है वो उचित होना चाहिए, वो आपका तर्कसंगत होना चाहिए और वो न्यायसंगत होना चाहिए। वो न्यायसंगत होना चाहिए, कहने का मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को बहुत स्पष्ट कह रहा है कि राज्य जो आपका सब कैटेगराइज करेगा, उपवर्गीकरण करेगा, वो मनमाना नहीं होना चाहिए, वो स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो उसकी न्यायिक समीक्षा कौन करेगा, जुडिशियरी उसकी न्यायिक समीक्षा करेगी। और अगर वो कानून या अगर वो उपवर्गीकरण उचित तर्कसंगत और न्यायसंगत नहीं होता है तो उसको न्यायालय के द्वारा नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही यहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक आपका जस्टिस आपके न्यायमूर्ति गवई ने यहां पर कहा बेटा कि जो अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं इनके लिए भी क्रीमी लेयर का पालन किया जाना चाहिए। क्रीमी लेयर वही, जब आपको ध्यान होगा इंदिरा सानीवाद हमने कहा था तो वहां पर ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को एस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी जुडिशियरी के द्वारा, तो सेम उसी बात को यहां पर रिपीट किया गया है न्यायमूर्ति गवई के द्वारा। इनका भी यही मानना है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी हमको क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए, जहां पर बेसिकली आपका इकोनॉमिक आधार पर एक सीमा तय कर दी जाती है कि इकोनॉमिकली उस सीमा से ऊपर जो वर्ग जाता है उस वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार की कुछ बात आपका एससी एसटी रिजर्वेशन में भी किए जाने की बात यहां पर कही गई, किसके द्वारा, न्यायमूर्ति गवई के द्वारा। साथ ही यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेटा कि आरक्षण का लाभ केवल और केवल एक पीढ़ी को मिलना चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसको आरक्षण का लाभ मिला, क्लियर है, किसी की पीढ़ी आरक्षण का लाभ मिला, वो किस कैटेगरी में आ रहे थे, एससी कैटेगरी में आ रहे थे, ठीक है। मान लीजिए एससी कैटेगरी का कोई व्यक्ति है, इसको आरक्षण का लाभ मिला, एससी कैटेगरी का कोई व्यक्ति है ए, और ए को आरक्षण का लाभ मिला लेकिन ये नौकरी नहीं पा पाया, तो उसके बाद बी को भी मिल जाएगा जो इसका बेटा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नौकरी नहीं पा पाया, कोई दिक्कत नहीं, सी को भी लाभ मिल जाएगा। लेकिन सी अगर यहां पर आरक्षण का लाभ ले लेता है, किसी भी रूप में सी आरक्षण का लाभ ले लेता है और अब वो संपन्न हो गया है, उसको नौकरी मिल गई है, तो अब जो सी का बेटा होगा डी, इसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये यहां पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता है कि भाई जब एक पीढ़ी को अगर आरक्षण का लाभ मिल जाए, मतलब इस पीढ़ी में चलता आ रहा था ए नहीं ले पाया लाभ, तो कोई बात नहीं, इसके बेटे को मिला बी को, बी नहीं ले पाया तो इसके बेटे को मिला सी को, लेकिन सी ने जब आरक्षण का लाभ ले लिया तो अब उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर हो चुकी है। आज का समाज हमारा कोई आपका पूरा पाषाण काल का समाज नहीं है, ये गुप्त काल का समाज नहीं है, जहां जाति व्यवस्था समाज में इतनी ज्यादा हावी हो कि आप अगर आप सक्षम हो गए हो, आप विकास की मुख्य धारा में आ गए हो, तो इसके बाद भी आपके साथ भेदभाव किया जाए, ऐसा आज के समाज में सामान्यता नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को रेखांकित किया कि अगर एक पीढ़ी को इसका लाभ मिल जाता है तो उसके बाद अगली पीढ़ी को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो इसी बात को यहां पर रेखांकित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर किसी एक पीढ़ी को आरक्षण का लाभ मिल जाता है तो उसकी अगली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ यहां पर नहीं मिलना
चाहिए। तो बेसिकली यही हमारी अहम बातें थी बच्चा, जो कि कल के जजमेंट से निकल करके आती हैं, जो कि कल के जजमेंट में हुई। अब आगे देखते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन कैसा होता है। न्यायालय ने तो निर्णय दे दिया है, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें संसद की प्रक्रिया किस तरीके से रहती है और जो हमारे राज्य है, राज्य इसमें किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, वो किस तरीके के प्रावधान यहाँ पर करते हैं, किस तरीके के प्रयास यहाँ पर करते हैं। तो जो भी आपका आगे होगा उसके बारे में आप लोगों को सूचित किया जाएगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो इस निर्णय की महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि इसको समझने से पहले आप जो आरक्षण पे मेरा 3-3.5 घंटे का वीडियो आपका अपलोड होगा उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे, क्योंकि तब आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आती चली जाएंगी। तो फिलहाल आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी एक किसी और नए विषय के साथ। धन्यवाद साथियों।